अरे अरे कहाँ से उड़ के आ रहा है, कहाँ से? अरे 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 मिस हो गई, मिस हो गई। हट यार, नॉक नहीं होना था यार। हट यार, इसकी शॉट गन यार, मेरी पूरी शॉट गन मेरे को लगा एक दो में डाउन हो जाएगा यार। इमोट यार मेरे भाई, इमोट नहीं दिखाना है यार। क्यों 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 यार, क्यों इमोट भाई, ऐसे क्यों भाई? तो गई यार, रिवाइव करो यार। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज एक मैच खेलेंगे मस्त वाला। अभी हम उतर रहे हैं फिलहाल बुलजाई, जहाँ पे चार बंदे हमारे साथ पहले से नीचे उतर चुके हैं। जो हमारे उतरते ही हमें ऐसा लग रहा है कि हमें चिप डालेंगे, बट हमारा स्कोर इतना हाई है तो चिप ने तो हम बाले नहीं आसानी से। कोशिश करेंगे इनको मार सकें। अभी नीचे उतर रहे हैं राइट पे, इधर जस्ट अभी मेरे को इधर M14 दिखी है, इस पर मैं उठाऊँगा। और मेरे को बंदा भागता हुआ दिख रहा है और मैंने इसको मारा और मारा, डाउन हो गया। तो मैं फिनिश करने की ट्राई करूंगा उसके। दो बंदे भाग रहे ऊपर से, मेरे को ऊपर से हेड ना पड़े, बट नहीं पा रहा उसने, वो निकल गया। पड़ा था उधर ही, जस्ट देख रहा, वेट कर रहा था वो निकलेगा मारेगा। मैंने मारा उसको, डाउन होगा, डाउन हो गया। तो एक बंदा भाग गया उसको पीछे के लिए। मेरे को मेरे दोस्त ने कॉल दी थी कि पीछे के लिए निकल रहा है, तो मैं सोचा रश करता हूँ, क्योंकि एक तो मैं फिनिश कर चुका था आगे के लिए। फिर मैं चलता हुआ फिर आगे से, जस्ट उसका पीछे बंदा भाग रहा था, वो बोल रहा था मेरे को कि कल पीछे उसका बंदा भाग रहा है, रश करो रश करो। बट मैं फिर जाता हूँ, मस्त एक बंदा नॉक पड़ा हुआ था ऊपर, वो निकल गया, बट वो रिवाइव हो गया था मेरे हिसाब से, क्योंकि ऊपर दो थे। तो आगे से जब मैं यहाँ पे जाता हूँ, अपनी बाउंटी पड़ी होती है, मैं बाउंटी लूटने की ट्राई करता हूँ। बाउंटी में मिलता है कुछ भी नहीं खास, पहली बार इतनी गंदी किस्म बाउंटी में कुछ भी नहीं मिला। टोकन दिखता है एक, मैं पीछे की तरफ जाता हूँ क्योंकि पता था उसने गैराज की तरफ बोला जाते हुए। गैराज की तरफ जाता हूँ तो पीछे लूट ही हो जाता डाउन ऊपर से। फिर मैं जस्ट देखता हूँ कि वो ऊपर खड़ा हुआ है, तो फिर मैं सोचता हूँ रिवाइव करने के लिए, क्योंकि दो पास में ही था। तो मैं रिवाइव करने की ट्राई करता हूँ उसको, मेरे पास ग्लू वॉल वगैरह कुछ नहीं है। फिर भी मैंने जस्ट क्रोनो लगाया, वो आगे रश करने, क्योंकि मैं क्रोनो लगाया डाउन ही कर दिया एक नंबर हेडशॉट। दूसरा भी उसके पीछे ही खड़ा था, मैं सोचा उसको एम करके हेड देता हूँ, बट वो छुप गया था, छुप के मार रहा था। मैंने एक नंबर उसके निकल गया, उसने मारा, फिर मैंने सारी गोली मिस, हेड पड़ गया, क्या बात, मज़ा आ गया। फिर उसको मैंने जस्ट लूटा, निकल गया। फिर आगे लूटते हुए फिर मस्त जा रहा था, मैं सोच रहा था क्या करूँगा। अब उसका चौथा बंदा भाग गया था, ठीक है, उसको हम ढूंढने के लिए ढूंढ रहे थे इधर कि चौथा बंदा भाग जाएगा, रिवाइव कर देगा। और 49 लाइफ चल रहे हैं इस जगह पे। ग्रैंड मास्टर को होता पुश चल रहा है इस टाइम, गंदा वाला, तो थके हुए हैं साथ में खेलते खेलते। तो इसका एक बंदा इधर था, मस्त खेलते लूफी वाइज जिसको ढूंढ रहे थे। तो अपन में और लूफी थे इधर, मैं सोचा नीचे की साइड होगा, नीचे जाके देखता हूँ, बट वो नहीं था वहाँ पे। तो फिर मैं इस साइड आ गया, तो मैंने सोचा कि इस साइड से वो दिख गया, उसने डाउन कर दिया सारे मिस करी। फिर लास्ट में फोटो फेक डैमेज बड़ा, मर गया। तो फिर यहाँ पे एक बंदा हमारा खत्म हो गया, मुझे टोकन मिले हैं, रिवाइव कर देता। फिर वहाँ पे ऊपर से मेरे को कल तक कॉल आती है कि कल तक इधर बहुत सारे बंदे हैं, देख के आना। तो मैं उड़ के जाता हूँ पीछे की तरफ, सोचता हूँ पीछे से मारूंगा, तो उतरते इधर बच जाता हूँ। किस्मत इतनी बड़ी गंदी चलती है जो हमेशा से। मैं सोचा साइड से जाता हूँ मस्त, अपना इधर से पीछे से घूम के जाऊँगा, पीछे से लपेटूंगा जितने के लपेट सकता हूँ। तो मैं मस्त चढ़ाई करता हूँ इधर से, पूरी चढ़ाई ऐसे माउंट एवरेस्ट चढ़ने की कोशिश करता हूँ, जो कि बहुत ही बहुत बड़ा है। बट फिर भी हम जाते, दौड़ते दौड़ते कितना दौड़ते, फिर मेरे को कोई बंदा नहीं दिखता इधर से। मैं सोचा पीछे से हमको एक फायर आ रहा था, क्योंकि मेरे को लाल मार्क दिख रहा था, मैंने ट्राई किया उधर से मारने का, सोचा नहीं है, बट फिर भी उसको ट्राई कर रहा था। एक बंदा मेरा नॉक हो जाता है, क्योंकि बता रहा था वो मेरे को बहुत बंदे, बहुत ज़्यादा बंदे हैं इधर। मैं सोचा ठीक है, दो स्क्वाड की फाइट हो रही थी, तो मैं पीछे से जाता हूँ। मैं सोचा भागता रहता हूँ मस्त मस्त, लोकेशन ढूंढूंगा उनकी। तो आगे बढ़ते हुए कलते इधर से मस्त, मैं देखता हूँ ग्रीज में कोई मारे ना, क्योंकि ग्लू वॉल थी नहीं, जीरो ग्लू वॉल पे था मैं, क्योंकि ग्लू वॉल ये देते नहीं है मेरे टीम मेट, आपको पता है बड़े एज ऑलवेज। तो मैं मजे से जा रहा था इधर से घूमते घूमते, तो आगे जस्ट मैं देखता हूँ ग्लू वॉल लगी है, मार्क आया एक नीचे मेरे पांडे की तरफ, वो एम करके मार रहे थे जो मेरे टीम मेट था, लास्ट बचा हुआ था। तो ये तीन थे यहाँ पे, यहाँ पे मैंने उसको मारा, इसमें क्रोनो लगा दिया। तो मैं सोचा मेरे पास ग्लू वॉल भी नहीं है, अगर वो देखो एम करने की कोशिश कर रहा, बट उसको ABCD एक नंबर पड़ गई, वो डाउन हो गया। तो ये तीसरा वाला एम करने की कोशिश कर रहा था, इसको नहीं दिख रही थी, तो गोली चलाई बट फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं। ये कह रहा था इधर भाग रहे, अंदर जाने की कोशिश कर रहा, मारो करेक्टर एक नंबर, ABCD का 90 का डैमेज देता है, क्या बात है, बॉडी होगी एक नंबर। अरे ख़त्म हो जाता है इसके साथ ही, लास्ट बंदा बचता है इसका, दो बंदे बचते हैं, एक राइट पे एक उधर, एक वो निकल जाता है उधर से, उसको डैमेज देने की कोशिश करता पड़ा है कुछ और मस्त इधर से वो एक उसका। मैं सोच रहा था कि गलत, अब एक जो लोकेशन राइट मार के आएगा, देखो ये बंदा है, देखो दिखा दिखा ये वाला, मैं सोचा ये मारेगा, अगर मेरा ग्लू वॉल तो है नहीं तो ये घूम के आएगा, एटलीस्ट मैं वेट करता हूँ यहाँ पे इसका। तो मस्त यहाँ पे मैं वेट कर रहा था, मेरे को पता था वो राइट से आएगा, क्योंकि उसके दो बंदे मैं खा चुका था। तो आगे वो दिखेगा इसके, देख रहा हूँ अभी जस्ट इधर से आएगा, और मैं उसको क्या ही स्कोप ऐड मारता, देखो 270 एक नंबर, और मेरे पास ग्लू वॉल थी नहीं, क्योंकि रिस्क अगर खेलना पड़ता है। तो इस यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं, 7 किल हो चुके मेरे।
तो मस्त इसका लूटूंगा, मेरे डीमन रिवाइव हो गया और एक बचा हुआ था उसको मैं रिवाइव देता हूँ यहाँ पे बात। इसके बाद वो उठता है, मस्त आता है और फिर मैं जाता हूँ आगे की ओर से, निकलता हूँ अपना मस्त लूट लाउट करके जितना होता है। फिर लॉन्च पैड मारने के लिए हेल्थ कंपनी नीलर मारा और एक गायब, और यहाँ से निकलता हूँ मैं रश करने के लिए मस्त। फिर मैं अब मार के मारेंगे सीधा, लॉबी खाली करेंगे क्योंकि लॉबी कोई खाम खाली नहीं करेंगे तो कोई खाली करता नहीं है। तो मैं उतर रहा था, मेरे को नीचे राइट पे एक बंदा दिख गया, तो मैंने उतरते ही उसको इधर से एबीसीडी मारी, क्या ही डैमेज आया सोफा, एक नंबर डाउन खत्म। और इसके बाद ऐसे ख़त्म कर दूंगा इसको, ये वही बंदा बाद में बतलता है, ये वही बंदा है जिसको मैंने उधर मारा था हेडशॉट, फिर से रिवाइव हो गया था, इसके टीममेट इसको रिवाइव कर दिया था। फिर मैं सोचा इधर रिवाइव हो रहा राइट में, इसको मारता हूँ, इसकी टीममेट होगा, उसको मैं मारता हूँ डाउन करता हूँ पीछे से, बट किल कोई और ले जाता, देखो ये देखो किल कोई किल वो ले गया। तो मैं सोचा किल लिया इसने, अब बदला तो लेंगे, अपना किल तो चला गया उससे किल लेंगे। आगे से देखता हूँ मैं कितने बंदे लोग जा रहे हैं, 1 2 3 4। मैं सोचता अब क्या करूँगा भाई, इधर एबीसीडी नहीं चिपक रही है, ग्लू वॉल 6 है मेरे पास, बट उसका वेट करते करते वो बाहर कोई नहीं आता, रोटेशन काटते पूरा, देखो इधर से मैं उनको डैमेज देने, बाहर कोई भी अपनी पीक शो नहीं करता तो मारूंगा कैसे। तो मैं टीममेट को कॉल भी नहीं दे पा रहा था, इसलिए मैंने माइक कर लिया बंद, अपने दोनों माइक कर लिया बंद। अच्छा अब खेलूंगा अपने हिसाब से। तो वो आ जाता है इधर से मस्त, इधर से एक बंदा इसका क्लोज में आ जाता है, मैं सोचा ये इसके पीछे मैं छुप पाऊंगा, बट ये जगह इधर से इसके अंदर जा ही नहीं पाया, और चक्कर में मैंने ग्लू भी नहीं मारी, मेरे पर डैमेज बहुत सारा पड़ गया, उसने रश कर दिया। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, मैंने बैरल निकाली अपनी मस्त, मैं मेडी मारता रहा, मेरे पास करोना था, मैंने करोना मारा गेट माउथ, और ऊपर से एक और बंदा इसका आने को सोचता है, करोना खत्म होगा, बट इसकी शॉटगन मैंने मारी, मैंने कहा एक गोली पड़ेगी तो डाउन हो जाएगा, बट मिस हो गया यार, अटक यार यार ऐसे नहीं करना था यार, गलत हो गया, मेरे को लगा नॉक हो जाता यार। आगे इसने इमोट, यार इमोट नहीं दिखाना था यार, ये गलत कर दिया यार भाई, ये नहीं करना था यार, क्यों करते हो भाई ये सब, नहीं करना था भाई। मैंने फिर टीम बोला मेरे को रिवाइव करो मस्त, मेरा दिमाग खराब हो गया क्योंकि इमोट दिखाया, आपको पता है इमोट से कितनी खनकती है, जब अपन नहीं दिखाते तो कोई दिखाया तो बड़ा गुस्सा आता है। तो फिर हम सेट, मैंने ट्राई किया, मैंने अपने टीम को कॉल दी थी, मैं वो राइट से आएंगे तो उनको जोन से पकड़ेंगे मस्त एकदम मारेंगे। तो फिर अपन इधर से, मैंने उसको मेरे को MP5 मिली मस्त, मैडी पकड़ी इधर से एक, और कुछ मिला नहीं, देगा समझी का एक पैकेट मिलता है, लूट के मैं जा रहा होता हूँ मस्त। इसके बाद यहीं पे वो पीछे से आते हैं, तो मेरे टीममेट यहाँ पे उनको दो उसके खा चुके होते हैं, एक बंदा भाग रहा होता है उस साइड, पांडे हो जाता है उससे नॉक। तो फिर मैं सोचता हूँ उधर जाके, यही बंदा उसके साथ था, लास्ट बंदा बचा होता है उनका, लास्ट में मतलब डाउन होता है, डाउन भी नहीं होता है मतलब लास्ट ही होता है एक तरीके का, लास्ट एक उस साइड मार दिया था हमने, दो उनके तीन मार दिए थे, ये अकेला बचा था, लूट रहा होता है, मैंने डैमेज पड़ा होता है। तो यहाँ पे हम ख़त्म करके, मेरे पास लूट भी नहीं है, सब खत्म हो चुका है, तो मैं सोचता लूट कहाँ से करूँगा, जोन भी आ गया था, फिर मेरे को एक ड्रॉप दिखता है इधर भी, एक मिलता है स्मोक ग्रेनेड, इसका मैं सोचता क्या करूँगा। फिर मेरे को लेफ्ट पे इधर से जा रहा था मस्त, तो लेफ्ट पे यहाँ से मेरे को बंदे दिखते हैं, दो सर्वाइव करते जोन से बाहर निकलता था, एक को मैं देता हूँ नॉक, दूसरा दिखता है, दूसरा जा रहा होता उधर से मस्त, दूसरा ये सर्वाइव कर रहा था क्योंकि जब मैं इसको डैमेज देता हूँ ये पीछे के लिए भागता है, ये नहीं कि अपने टीममेट को बताया, नहीं भागता है मतलब सर्वाइव कर रहा है, मेरे पास एमो नहीं बचा होता, मैं इसको फिनिश करता हूँ, यहाँ पर लूट मिलती है इससे मेरे को। तो फिर मैं आगे जा रहा होता हूँ, मेरे को उसका टीममेट पता है इस साइड भागा था, तो मैं सोचा इस साइड देखता हूँ, इस साइड दिखाई तेरी सर्वाइव कर रहा है, देखो इसको चेप दिया खत्म। अब बंदे बचे 11 किल हो चुके हैं और 15 बंदे अभी भी लाइव हैं, तो हमारे भी 3 ही बंदे बचे हुए हैं। तो सोचा फिर इधर से साइलेंसर, यार ये साइलेंसर की वजह से ग्रोज़ा में पता क्या सीन होता है कि डैमेज आता है, बट साइलेंसर में वो मज़ा नहीं आता ग्रोज़ा चलाने का। मैं एक डबल डोर पर बहुत देर से बंदा देख रहा था, वो येलो कलर का था, तो मैं इसको राइट पर इधर से 2 बंदे 3 बंदे हैं इस जगह पे, तो येलो वाला दिखता है बार बार पीक दे रहा था, मैंने उसको नॉक दिया जैसे बता से नॉक हो गया, मैं तो उसका किल मिलता है नहीं मिलता है मेरे को पता नहीं है, आगे पता चल जाएगा। तो यहाँ से मेरे को राइट साइड से पूरा डैमेज पड़ता है, 4 बंदे कैंप कर रहे थे राइट साइड से पूरे घर पे, तो यहाँ पे मेरे को डैमेज पड़ता है, मैडी मारता हूँ मस्त, जिसका जाता हूँ, मेरे को पता था वो नेट कुक करा, मैंने अगर से करोना मारा नेट पड़ेगा, करोना मार दिया था पहले ही, और होता नॉक, और इसको मैं करता हूँ फिनिश, ग्लोबल 0 थी सबको 0 था, उसको मैं देता हूँ हेड पड़ जाता है उसको मस्त रोजा का ट्रैक में, और ये मारता है VSS और में नीचे आता है तो मेरे को हेड पड़ जाता है एक नंबर, तो मेरी हेल्थ चल जाती है, जोन भी बज रहा होता है और मेरे को जोन जाना था, मैं बच जाता हूँ, यहाँ पे मारता हूँ मैं मेडी। फिर उसके बाद जो होता है ना गाइज, मैं बोलता हूँ मज़ा ही आ जाएगा एक नंबर, फिर मैं जाता हूँ आगे रश करने के लिए, क्योंकि स्क्वाड में आगे मेरे को ही खेलना पड़ता है क्योंकि शॉर्ट रेंज था मेरे पास, अगर मैं नहीं घुसूंगा तो ये नहीं घुसेंगे, इसलिए फिर मैं उसको देता हूँ नॉक, मेरे को दिख रहा था वैसे, और एक यहाँ पे मैं जस्ट पीछे देखता हूँ, यहाँ पे एक बंदा दिखता है मेरे को, वही ग्रीन क्रिमिनल, तो ओल्ड रॉयल बंडल है, उसको नेट मारता हूँ, आपको पता ही आई एम प्रोफेशनल लेडर अब मैं स्क्वाड, तो फिर नेट से वर्ड होता है नॉक, और फिर मैं उसको फिनिश करने की कोशिश करता हूँ और वो नॉक हो जाता है। तो ये हो गया ख़त्म किल, और अब बच्चा बंदा 12 और आगे वाले घर पर 4 है पता है हमको, पीछे वाली स्क्वाड से एक मारने की कोशिश करता है, इसका भूकंप खुल जाता है, रश करके इसको ख़त्म करता हूँ, तो मैं इसको भाग रहा था, फिर इसको मैं नॉक देता हूँ, इसको हेड पड़ता है एक ही गोली, एक नंबर बाकी गोली मिस हो जाती है, एक बंदा होता है इधर मस्त वाला ब्लैक टी शर्ट को, उसको मारने की कोशिश करता हूँ, वो निकल जाता है मेरे को, तो रोटेशन मार के पीछे से ही आएगा,
तो मैं ही अकेला हूँ तो मैंने उसको आता है तो एक नंबर हेड मारता हूँ, एक नंबर लाल नंबर, फिर ग्लू वॉल मिलती है, सब लूट खत्म। 16 किल चुका है, डबल डोर से एक बंदा कूदता है, मैं सोचता इसको हेड पड़ेगा, नहीं पड़ा, ट्राई मिस हो गया। तो यहाँ से मैं इसको मारने की कोशिश करता हूँ, मस्त इसको वापस सीधे सीधे दौड़ रहा होता है, उसको देता हूँ। तो यहाँ पर मस्त अपना बॉय होने वाला है, और जो ये नेट आपको पता है प्रोफेशनल नेट है, बट कभी कभी मिस भी हो जाता है, तो चलता है इतना इतना। तो यहाँ पे वो टीम अप करने की ट्राई करता है मेरे से, देखो टीम अप करने की, बट आपको पता है इसका गुस्से में दवाई तुम्हारा था, फिर टीम अप करना नहीं है, तो छोड़ो यार इसको नहीं मारेंगे, दूसरे को मारेंगे, इसको छोड़ देता हूँ। ये भी टीम अप कर रहा था, फिर गोली मारने की फिर भी ट्राई करता है, फिर नॉक, और हमारा एक बंदा नॉक हो जाता है उसके लास्ट बंदे से, फिर मैं उसको बचाने की ट्राई करता हूँ, फिर मैं छोड़ो सबको क्या बचाना है, मम्मा पापा। तो अपन यहाँ पे इसको इसको यहाँ पे चेप देता है, यहाँ पे हो जाता है हमारा बोया, हो जाता गाइस बोया बोया बोया। तो गाइस ये था हमारा आज का बोया। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो पसंद आई तो शेयर और लाइक मार देना गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, सायोनारा। Sometimes I wish to do the things animated later that's all rubbish. Not worth mentioning, depressing, and how all the fucking audience is gonna get the real meaning.